हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? सब पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी? देखो बच्चों, हम लोग डिफरेंशियल ज्योमेट्री में आगे आ गए हैं और आज हम लोग टाओ के और कपा के बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल हम लोग देखेंगे जिससे हम टाओ और कपा को निकालने के बारे में बहुत सी बातें सीखेंगे। देखो बच्चों, कपा का फायदा ये होता है, कपा का रेसिप्रोकल होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर एक वैसे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट माना जाता है, इसका यूज़ फिजिक्स में भी होता है और ये पहले से ही हो सकता है ट्वेल्थ में भी हमने इसके बारे में सुना हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर जैसे कि आपने पढ़ा होगा ऑप्टिक्स में भी रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है, स्फेरिकल उसके लिए। तो बच्चों, हम लोग यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, और क्योंकि कर्वेचर का रेसिप्रोकल होता है, हमने कपा निकाला था। हाँ, एक बात और समझो बच्चों, पुराने वीडियोस बेटा जरूर देखिए इसको पढ़ने से पहले, क्योंकि पुराने वीडियोस से सारी चीज़ें लिंक हैं आपस में। मैं तो कहता हूँ बेटा, शुरू से सारे वीडियो देखिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा, आपको किसी बुक की ज़रूरत नहीं है, आप बस केवल अपना मोबाइल या लैपटॉप लीजिए और सारे वीडियो को देखना शुरू करिए और नोट्स बनाइए, आपको सब कुछ एक एक बात अच्छे से बेटा समझ में आएगी, क्योंकि मैथ्स का नाम ही समझना होता है। तो बच्चों, हम लोग आज कुछ और अच्छे क्वेश्चन करते हैं। देखो ध्यान, तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम शुरुआत बहुत छोटे से करते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम सर्कल पढ़ते हैं, सर्कल का एक क्वेश्चन जानते हैं हम लोग, ट्वेल्थ वाला सर्कल। देखो हमने पढ़ा होगा सर्कल क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ये सर्कल का एक क्वेश्चन होगा, आपको मालूम है कि इसका सेंटर होता है 0 0 और इसका रेडियस कितना है 8। देखो सर्कल जो है ना बेटा, एक प्लेनर कर्व है, एक प्लेन में खींचा जाता है, सर्कल है, पैराबोला है, ये सब एक प्लेनर कर्व है, मतलब एक प्लेन में खींचे जाते हैं। तो हमने पढ़ा था कि अगर कोई कर्व एक प्लेन में आ जाए, मतलब अगर कर्व एक प्लेन है तो उसका टाओ 0 होता है। तो इस बात को भी हम चेक करेंगे कि क्या सर्कल का टाओ 0 है, क्योंकि सर्कल एक प्लेन में आ जाता है। तो प्लेन में आने वाले जो भी कर्व हैं, जो भी कर्व एक प्लेन में आ जाते हैं, जिनको हम प्लेनर कर्व या प्लेन कर्व कहते हैं, उनके लिए टाओ हमेशा 0 होता है, ठीक है ना। तो ये भी हम सीखेंगे और कपा और रेडियस ऑफ कर्वेचर को भी निकालेंगे। देखो ध्यान दो बच्चों, जैसे ये हमने सर्कल का इक्वेशन पढ़ा, अब देखो इस सर्कल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स बराबर आर कॉस टी और वाई बराबर आर साइन टी। ये सर्कल की पैरामीट्रिक इक्वेशन है, ठीक है। देखो एक्चुअली बच्चों, जो हम डिफरेंशियल ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं वो वेक्टर की फॉर्म में डिफाइन है, क्योंकि डिफरेंशियल ज्योमेट्री में सबसे पहले हमें एक आर वेक्टर चाहिए होता है। तो देखो आर वेक्टर यहां पर बना सकते हैं कैसे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, आर वेक्टर, क्योंकि हम टू डायमेंशनल प्लेन में चल रहे हैं तो आर वेक्टर हम बना सकते हैं। एक्स का मतलब ये, वाई का मतलब ये। देखो आर वेक्टर क्या हो गया, ये हो गया आर कॉस टी आई कैप और ये हो गया आर साइन टी जे कैप। बात समझे बच्चों? तो ये देखो हमने आर वेक्टर बना लिया, जिसकी हमें डिफरेंशियल ज्योमेट्री में जरूरत होती है, क्योंकि जब भी हम कपा निकालेंगे तो आर डॉट आर का मतलब, ये आर मत समझना, चलो इसको ए मान लें अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो, इसको चलो रेडियस को ए कर देते हैं, क्योंकि आर आर में कंफ्यूजन ना हो जाए बेटा, कंफ्यूजन से ही बेटा बचना होता है। तो यहां पर ये ए हो गया और यहां पर भी ये ए हो गया, ए का मतलब हो गया सर्कल का रेडियस, ठीक है। तो बच्चों ये आर वेक्टर मिल गया। अब वहां पर जो हम पढ़ते हैं डिफरेंशियल ज्योमेट्री में, तो उसमें आर डॉट चाहिए होता, क्योंकि कपा में आर डॉट चाहिए, टाओ में आर डॉट चाहिए। तो देखो बच्चों, हम लोग जानते हैं कपा को निकालने का जो फार्मूला होता है अपना, मैं देखो कपा को निकालने का फार्मूला होता है मॉड ऑफ आर डॉट क्रॉस आर डॉट अपॉन आर डॉट का पावर 3। और टाओ का देखो जो बच्चों फार्मूला होता है आर डॉट आर डबल डॉट आर ट्रिपल डॉट का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और डिवाइड बाई आर डॉट क्रॉस आर डॉट के मॉड का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कपा का फॉर्मूला होता है, ये टाओ का फॉर्मूला होता है। देखो ध्यान दो, तो बच्चों यहां पर जरा समझो इस बात को कि अब सबसे पहले अगर हम आर डॉट निकालते हैं, है ना, आर डॉट, तो देखो बच्चों क्या होता है, आर डॉट का मतलब हो गया कि डी आर बाई डी टी, ठीक है, डी आर बाई डी टी, समझो बेटा। देखो ध्यान दो, अब क्या हुआ, देखो तो इसको टी के रिस्पेक्ट में करते हैं डिफरेंशिएशन, क्या होगा, देखो ये हो गया आई कैप
और इसका डिफरेंशिएशन क्या हुआ, ए कॉस टी का क्या हो गया, माइनस साइन टी, बस समझे। अच्छा अब देखो बच्चों क्या हुआ यहां पर, प्लस जे कैप और ये क्या हो गया ए, और साइन टी कितना हो गया कॉस टी, ठीक है जे कैप मतलब। तो देखो ये बच्चों आर डॉट आ गया। अच्छा अब देखो आर डॉट का मॉडुलस भी निकालना होगा कपा के लिए, इस आर डबल डॉट निकालो एक बार इसका फिर से डिफरेंशिएशन, तो क्या होगा बोलो, माइनस आई ए और साइन टी कितना हो जाएगा कॉस टी, और देखो यहां पर प्लस का जे कैप ए और कॉस टी कितना हो जाएगा माइनस का साइन टी, ये आगे बस समझे। कपा को निकालने के लिए इनका क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए होगा, देखो ध्यान दो आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकलता है, आई जे और के, के तो खैर यहां है कोई बात नहीं, आई का कोफिशियंट देखो आर डॉट में कितना है माइनस का ए साइन टी, तो माइनस का ए साइन टी, और जे का कोफिशियंट कितना है देखो ए कॉस टी, ए कॉस टी और के वाला पार्ट जीरो हो गया क्योंकि के यहां पर है नहीं। अच्छा आर डबल डॉट में आ जाए, देखो ये क्या हुआ आई कोफिशियंट माइनस का ए कॉस टी, माइनस का ए कॉस टी, और देखा जे का कोफिशियंट क्या हो गया माइनस का ए साइन टी, और के वाला पार्ट जीरो हो गया, बस समझे। अब देखो बच्चों यहां पर जब समझो जरा ध्यान से, अगर हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे देखो क्या होगा, इसके लॉन्ग एक्सपेंड कर दे ऐसे करके, क्योंकि देखो इसमें दो एलिमेंट जीरो है, डिटर्मिनेंट में क्या होता है उसको अगर एक्सपेंड करना है तो अच्छा रहता है उस रो से या उस कॉलम से एक्सपेंड करो जिसमें एलिमेंट जीरो हो, जैसे इससे एक्सपेंड करेंगे तो इससे करेंगे तो क्या होगा के साथ में क्या आएगा दिस इंटू दिस, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी और माइनस दिस इंटू दिस, तो प्लस हो जाएगा क्या बोलो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी, तो के के साथ में देखो ये चीजें हमारे पास आएंगी, और बाकी जीरो को लेंगे तो सबको जीरो हो जाएगा, फिर जीरो को लेंगे सबको जीरो हो जाएगा, मालूम है ना ये बात आपको, इस कॉलम के लॉन्ग हमने एक्सपेंड किया तो ऐसे किया माइनस दिस, अब जीरो से करेंगे तो सबको जीरो, इससे करेंगे सबको जीरो, देखो यहां पर क्या बच्चा होगा के कैप है और ए स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी वन हो जाएगा। अच्छा अब देखो बच्चों ध्यान दो यहां पर कि आर डॉट का मॉडुलस भी लेना है, देखो यहां पर इसका मॉडुलस चाहिए, तो मॉडुलस क्या होगा बोलो अंडर रूट आई के कोफिशियंट का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस जे के कोफिशियंट का स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी, तो अंडर रूट ए स्क्वायर कॉमन आया तो क्या हुआ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वन हो गया, तो देखो यहां से वैल्यू कितनी हो गई ए हो गई। अब देखो ये ऊपर वैल्यू क्या आई थी, ये आई थी ए स्क्वायर के कैप है ना, देखो ये अब इसका भी मॉडुलस चाहिए, तो जब हम देखो ये वैल्यू क्या थी आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट, ये थी ए स्क्वायर के, अब अगर हम इसका मॉडुलस लेंगे तो मतलब यहां पर के कैप का मॉडुलस वन हो जाएगा, क्योंकि के कैप तो एक यूनिट वेक्टर है ना, क्या बचेगा ए स्क्वायर बचेगा केवल, क्योंकि ए स्क्वायर तो कॉन्स्टेंट है पॉजिटिव है, उसका मॉडुलस तो वही होगा भाई, अगर आप मॉडुलस दोगे ना आप समझो, तो ए स्क्वायर और के कैप का मॉडुलस, ए स्क्वायर का मॉडुलस अलग और के कैप का मॉडुलस अलग, अब ए स्क्वायर का मॉडुलस तो ए स्क्वायर ही हो गया और के कैप का कितना हो गया वन, क्योंकि के कैप क्या है कि यूनिट वेक्टर है, ठीक है ना बात समझे ना, बोलो भाई ये टर्म था मेरे पास देखो ये वाला, ठीक है तो मॉडुलस चाहिए, मॉडुलस दोनों तरफ ले लिया, ए स्क्वायर का मॉडुलस अलग आया के कैप का मॉडुलस अलग आया, ए स्क्वायर का मॉडुलस ए स्क्वायर रहेगा क्योंकि वो तो एक पॉजिटिव वैल्यू है और के कैप का मॉडुलस वन हो जाएगा, तो समझो बच्चों क्या होगा जो हमारा कप्पा देखो आ गया, देखो इसकी वैल्यू क्या आ गई समझो बेटा, इसका मॉडुलस ये हो गया ए स्क्वायर, और देखो ये मॉड की पावर थ्री, ये मॉड आर डॉट है इसकी पावर थ्री मतलब पावर थ्री, तो क्या बचा वन अपॉन ए बचा, तो कप्पा की वैल्यू वन अपॉन ए आ गई। अब आप याद करो रो क्या होता है, रो मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये क्या होता है कप्पा का रेसिप्रोकल, रो का मतलब क्या हो गया कपा को बोलते हैं क्या बच्चों कर्वेचर, और रो को क्या बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, मैंने बताया था बेटा आपको पहले भी, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं,
पुराने वीडियो बेटा पढ़िए, ऐसे जो है फटाफट पढ़ के नहीं निकलना है, ना ना गलत बात है, ये मैथमेटिक्स से होशियारी नहीं चलेगी, ध्यान देना, मैथमेटिक्स से हेरा फेरी नहीं चलेगी, पढ़ना पड़ेगा, मन से पढ़ना पड़ेगा, दिल से पढ़ना पड़ेगा और मैथ्स को समझना पड़ेगा, फिर आप देखना आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं रहेगी कभी भी, है ना। अरे यार मैथ्स पढ़ना ही अपने आप में एक रोजगार है, मतलब हमें तो बड़ा हैरानी होती है, बहुत से बच्चे कहते हैं अरे यार अब MSc कर लिया है अब कोई रोजगार ढूंढेंगे, अरे भाई मैथ्स से MSc कर लिया, आपको मैथ्स आ गया तो मैथ्स अपने आप में बेटा एक रोजगार है, ठीक है। हो सकता है लॉकडाउन में थोड़ा सा अभी टीचिंग प्रभावित हुई है, लेकिन थोड़ा वेट करिए, अभी आप कहीं भी चले जाइए, पूरे विश्व के किसी भी कोने में चले जाइए, मैथ्स पढ़ने वालों की पढ़ाने वालों की हमेशा बेटा कदर होगी, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हो सकता है अभी लॉकडाउन चल रहा है थोड़ा सा तुम्हें लग रहा हो यार पढ़ाने में तो कोई करियर ही नहीं, ऐसा नहीं है, पढ़ाने में बहुत करियर है, ऑफलाइन ऑनलाइन हर जगह आप मन से पढ़िए और मन से पढ़ाएंगे सब कुछ होगा, ठीक है। और मेरा काम है बेटा कि सबको तैयार करना, मैथ्स सिखाना, है ना। अगर आप सीख रहे हैं मैथ्स, हो सकता आप भी छोटे क्लास के बच्चों को पढ़ाते हों, हो सकता आप भी 11 12 के बच्चों को पढ़ाते हों, तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो कहता हूँ सीखिए, हर आदमी को मैथ सीखनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो अगर आप सीख रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और सीखना चाहिए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रोजगार है, कोई टेंशन नहीं पालना, ठीक है, बस मन से पढ़ना, ठीक है बच्चों। चलो फिर तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है बेटा वो 1/कप्पा होता है और कप्पा 1/a है, तो देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या आ गया, a के बराबर आ गया, तो मतलब देखो अब सर्कल में जो उसका रेडियस है वो a है और वही उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी है, तो देखो सर्कल का रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो उसके रेडियस के ही बराबर आ गया, और ऐसा हमेशा होता है, सर्कल का जो रेडियस है वही उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। अब देखो सर्कल चूंकि एक प्लेन कर्व है तो इसमें टाउ 0 आना चाहिए, तो देखते हैं आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट निकाला हमने, अब आर ट्रिपल डॉट और निकाल लें, और उसका जब हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेंगे तो वैल्यू 0 आनी चाहिए, देखते हैं इसको भी, देखते हैं चेक करते हैं, देखो क्या होगा, ये हमने यहां पर निकाला, इस रिजल्ट को देखो यहां लिख लेते हैं बच्चों, आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट, आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट की देखो वैल्यू ये आई है ए स्क्वायर के कैप, देखो ये इसकी वैल्यू आई है, और मॉडुलस हाँ ये इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। देखो अब हमने एक रिजल्ट तो प्रूव कर लिया, कप्पा की वैल्यू निकाल ली और उससे रेडियस ऑफ कर्वेचर भी हमने निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हम जरा यहाँ पर टाओ को निकालते हैं, देखते हैं टाओ 0 आता है कि नहीं, समझो देखो ध्यान दो, क्योंकि देखो टाउ निकालने के लिए ना हमें आर ट्रिपल डॉट भी चाहिए होगा, तो देखो उसकी तैयारी कर रहे हैं, इसको लिखो बच्चों जरा ध्यान से, पहले जब तक गाना वाना गा लेते थोड़ा बहुत, गाड़ी बुला रही है, बड़ा मोटिवेशनल सॉन्ग है ये, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही है, ओरिजिनल गाना आप सुनना किशोर कुमार जी का है, बहुत अच्छा गाना है, ठीक है, मैं अक्सर गुनगुनाता हूँ, गाड़ी बुला रही है सीटी बजा रही है, चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही है, गाड़ी बुला रही है, देखो बोरे बच्चों का, देखो बच्चों ये आर डबल डॉट हमने निकाला है यहाँ पर, ठीक है, अब हम आर ट्रिपल डॉट निकालेंगे, मतलब इसी को फिर से हम करेंगे टी के रेस्पेक्ट में बच्चों डिफरेंशिएशन, है ना, ट्रिपल डॉट का मतलब एक बार फिर से डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में, देखो ध्यान दो क्या होगा, बोलो माइनस आई ए और कॉस टी कितना हो जाएगा, माइनस का साइन टी हो जाएगा, माइनस का जे ए और साइन टी क्या हो जाएगा, बोलो कॉस टी हो जाएगा, ठीक है ये हो गया, तो क्या बचा बोलो, ये हो गया आई कैप ए साइन टी माइनस का जे कैप ए कॉस टी, अच्छा अब देखो क्या हो जाएगा, आर ट्रिपल डॉट क्या चाहिए, हमें चाहिए देखो टाउ, टाउ क्या होता बच्चों,
होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट r डॉट r डबल डॉट r ट्रिपल डॉट और उसके बाद मॉड ऑफ r डॉट क्रॉस r डबल डॉट का इसका। देखो ये हमने निकाला था r डॉट क्रॉस r डबल डॉट निकाला था और ये वैल्यू देखो ये आई थी a स्क्वायर k का। अब देखो अगर हमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट r डॉट r डबल डॉट r ट्रिपल डॉट चाहिए है तो हम क्या करें, इसका मतलब r डॉट क्रॉस r डबल डॉट और डॉट प्रोडक्ट r ट्रिपल डॉट है ना। बोलो a b c स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, a क्रॉस b डॉट c, समझे ना। देखो ध्यान दो तो क्या हुआ, देखो ये वैल्यू ये है अपने पास और इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है आर ट्रिपल डॉट से, है ना, इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है आर ट्रिपल डॉट से। ये है देखो ये टर्म, इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है आर ट्रिपल डॉट। देखो जब इसका इससे डॉट प्रोडक्ट लोगे तो आई डॉट के आएगा और आई डॉट के क्या होता है जीरो बेटा आई जे के। आई क्या होता है एक्स के लॉन्ग, जे क्या होता है वाई के लॉन्ग, के क्या होता जेड के लॉन्ग, क्या यूनिट वेक्टर। तो आई जे के क्या है म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो इसलिए k डॉट i जीरो हो जाएगा और जब आप k डॉट j करोगे तब भी जीरो हो जाएगा। सोचो बोलो भाई a स्क्वायर तो स्केलर है, a sin t स्केलर है, डॉट कहाँ आएगा, i और k के बीच में डॉट आएगा क्योंकि डॉट हमेशा दो वेक्टर के बीच भी आता है। यही बात मैं कितनी बार आपको समझा चुका हूँ बेटा कि स्केलर स्केलर चीजें बाहर आ जाती हैं, डॉट हमेशा दो वेक्टर के बीच लगता है। तो k डॉट i जीरो हो जाएगा और k डॉट j भी जीरो हो जाएगा क्योंकि बाकी चीजें स्केलर बाहर आ जाएंगी। तो इसलिए इसका डॉट इससे लोगे तब भी जीरो और इसका डॉट इससे लोगे तब भी जीरो। तो कुल मिला के सारी की सारी वैल्यू क्या हो गई जीरो। और यही देखो बता रहा था मैं कि अगर ये जीरो तो टॉ भी क्या हो गया जीरो, मतलब कर्व कैसा हो गया प्लेनर और सर्कल क्या है बोलो प्लेनर कर्व है। सर्कल क्या है बच्चों, एक प्लेनर कर्व है। तो सर्कल के केस में आपने कपा यानी कि कर्वेचर उसका रेसिप्रोकल यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल लिया और टाउ मतलब टॉर्जन भी आपने यहाँ पर देखो निकाला और उसकी वैल्यू जीरो आ गई और आनी भी चाहिए। जितने भी प्लेनर कर्व हैं उनके लिए टाउ हमेशा कितना आता है, जीरो आता है। और याद रखना अगर कपा जीरो हो गया तो इसका मतलब वो कर्व एक स्ट्रेट लाइन होगा। ये सब थ्योरम थी और ये हमने पढ़ी थी, स्ट्रेट लाइन का कपा कितना होता है, जीरो होता है। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में इतना ही बच्चों। अगले वीडियो में भी हम लोग और क्वेश्चन करेंगे कपा के और टाओ के। अब तुम सवाल खुद भी कर सकते हो, तुम्हारे लिए आसान है। कोई भी तुम्हें आर वेक्टर दिया जाएगा तो तुम कपा और टाओ को निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी हम लोग वैसे क्वेश्चन करेंगे और भी। तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।